हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीएससी पार्ट थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। इसमें हम आपको सेकंड पेपर रिंग थ्योरी में आइडियल्स पढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने आपको आइडियल का डेफिनेशन, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल एंड सिंपल आइडियल्स के बारे में बताया था। नाउ आज हम इसमें एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कुछ आइडियल्स के। लेफ्ट आइडियल क्या होता है, राइट आइडियल, आइडियल, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। चलो देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि द रिंग आर ऑफ ऑल टू क्रॉस टू मैट्रिसेस, मतलब सेट ऑफ ऑल टू क्रॉस टू मैट्रिसेस ओवर द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, ये क्या होते हैं, एक रिंग होती है, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें सारी टू क्रॉस टू मैट्रिसेस हो और वो टू क्रॉस टू मैट्रिसेस के जो अवयव हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से, यानी पूर्णांकों से, ठीक है। तो ऐसी सेट ऑफ मैट्रिसेस टू क्रॉस टू मैट्रिसेस और द सेट ऑफ सेट जेड ऑफ इंटीजर क्या कहलाती है, हमारी रिंग विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल में क्या कह रहा है कि द सेट एस ऑफ ऑल टू क्रॉस टू मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, इस टाइप की मैट्रिसेस सारी की सारी ए बी, इधर जीरो जीरो फिक्स है, ए बी कहाँ से लिए हैं, सेट ऑफ इंटीजर यानी पूर्णांकों से, ठीक है। जो ए और बी एलिमेंट हैं मैट्रिसेस के, ये क्या है, पूर्णांकों से लिए गए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मैट्रिसेस है उनका सेट है ना, उनका सेट क्या होगा, इस रिंग आर का जिसमें ऑल टू क्रॉस टू मैट्रिसेस ओवर द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स लिया है, ये क्या है, इस रिंग आर का क्या होगा, लेफ्ट आइडियल होगा बट नॉट ए राइट आइडियल, राइट आइडियल नहीं होगा, केवल लेफ्ट आइडियल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो हम किस प्रकार प्रूफ करेंगे, हमने लेफ्ट आइडियल के बारे में आपको बताया था कि लेफ्ट आइडियल क्या होता है, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट आई किसका, रिंग आर का, हम उसको लेफ्ट आइडियल कहेंगे यदि उसमें से टू एलिमेंट्स ए और बी मैं आई में से लूँ, तो मेरा ए माइनस बी भी आई में बिलोंग करना चाहिए। एंड सेकंड क्या था कि मैं एक एलिमेंट आई में से लूँ एंड एक आर में से लूँ, तो ए इंटू आर टाइप का, यदि मैं ए आई में से लूँ और स्मॉल आर कैपिटल आर में से लूँ, तो लेफ्ट का मतलब आर किस जो आर का एलिमेंट होगा वो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो आर इंटू ए टाइप, तो वो भी आर इंटू ए भी मेरा यदि आई में बिलोंग कर जाए तो मैं आई को कहूँगी कि आर का क्या है, लेफ्ट आइडियल वाम गुणजावली, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसी प्रकार सिद्ध करना है ये। तो हमने देखिए हमारा क्या है सेट एस किस प्रकार का है, इस टाइप का है, इस टाइप का, ध्यान से देखिए, केवल यहाँ पे ए और बी जो एलिमेंट है और यहाँ जो पोजीशन है ये वाली दोनों पोजीशन जीरो जीरो है, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार की हमें मैट्रिसेस के टू एलिमेंट्स लेने हैं, जैसे यहाँ पे इसने ले लिया ए इज इक्वल टू ए जीरो बी जीरो, एंड एक बी मैट्रिसेस ले ली जिसमें एलिमेंट लिए हैं सी जीरो डी जीरो, मतलब जहाँ ए बी और सी डी किसके क्या होंगे, पूर्णांक होंगे आपके, जेड से लिए ना आपने ए बी सी डी, इस ये सारे कहाँ से लिए हैं, जेड पूर्णांक अवयव होंगे ये वाले। तो अब यहाँ पे देखिए हमने दो एलिमेंट ले लिए सेट एस के, है ना, टाइप ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिसेस इस टाइप की, ठीक है। तो दो एलिमेंट ले लिए ए बी, हम क्या करते हैं लेफ्ट आइडियल में, पहली कंडीशन होती है कि ए माइनस बी ये भी मेरा एस में बिलोंग करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, ए माइनस बी करने से सिंपली देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा ए माइनस सी, इधर नीचे बी माइनस डी हो जाएगा ये वाला, और इधर जीरो में से जीरो गए तो जीरो, एंड इधर जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो। तो ये इस टाइप की मैट्रिसेस बन के आ रही हैं आपके पास, जो मैट्रिसेस जिस प्रकार की मैट्रिसेस एस में हैं
वही उसी प्रकार की मैट्रिसेस यहाँ बन के आ रही हैं। यहाँ देखिए ये जो पोजीशन है दोनों, ये जीरो जीरो है, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगी, एस में, क्योंकि यहाँ पे देखो आप ये एलिमेंट देखिए, एक भी जेड का ए भी पूर्णांक है, सी भी पूर्णांक, तो ए माइनस सी भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, और यहाँ पे बी माइनस डी भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, तो ये पूरी तरह से एस में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमने टू एलिमेंट्स लिए सेट एस के, ए और बी, और ए माइनस बी किया तो वो भी मेरा एस में बिलोंग करता है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में एक एलिमेंट तो हम किसका लेंगे, एस का, जो सबसेट एस है रिंग आर का, उसका एक एलिमेंट लेना है हमें, एंड एक एलिमेंट हमें रिंग आर में से लेना है। तो रिंग आर में से तो हम किसी भी प्रकार का एलिमेंट उठा सकते हैं। यहाँ देखिए एक एलिमेंट सी लिया है रिंग आर में से, रिंग आर कैसी है, टू क्रॉस टू मैट्रिसेस ओवर द सेट जेड ऑफ इंटीजर, मतलब दो क्रॉस दो की मैट्रिसेस हैं जिसमें सारे के सारे अवयव मैट्रिसेस के कहाँ से बिलोंग करते हैं, पूर्णांक से। इसी प्रकार हमने सी एक मैट्रिसेस ले ली रिंग आर से, किस टाइप की है ये, टू क्रॉस टू, ठीक है। और इसके देखिए एलिमेंट क्या लिए हैं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, जहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर यानी पूर्णांक से बिलोंग करेंगे, ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। ये एक एलिमेंट ले लिया मैंने आर का, आर का कोई अवयव हो तो, अब लेफ्ट आइडियल में क्या करते हैं, जो आर का एलिमेंट होता है, आर का अवयव होता है, उसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हैं इस टाइप से। ये सी इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई है ए के, ए क्या है, ए मैट्रिसेस है किसकी, एस की, एक एलिमेंट हम एस से उठाते हैं एंड एक एलिमेंट हम आर से, रिंग आर से उठाते हैं, ठीक है। तो अगर सी इंटू ए यानी सी किधर मल्टीप्लाई हो, लेफ्ट में, लेफ्ट आइडियल है तो लेफ्ट में सी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो सी इंटू ए, देखिए सी ये है मेरा एंड ए ये मैट्रिसेस, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लाई तो सभी को आती है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिसेस निकल के आई, ठीक है। तो इस मैट्रिसेस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, दोनों एलिमेंट जीरो जीरो है और यहाँ पे ये है। अब आप देख सकते हो अल्फा ए गामा बी ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे पूर्णांक हैं, तो इनकी गुणा कर लो और उनको ऐड कर लो तब भी ये क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा, और यहाँ दोनों पोजीशन जीरो जीरो है, तो इस टाइप की मैट्रिसेस किस में चली जाती है, सेट एस में। एस किस टाइप का लिया है, इस टाइप का, यहाँ दोनों एलिमेंट ये मैट्रिसेस के जीरो जीरो है, तो इस प्रकार की जो मैट्रिसेस है वो एस में बिलोंग कर जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने दो एलिमेंट लिए, ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, ये फर्स्ट कंडीशन थी लेफ्ट आइडियल की। तथा एक एलिमेंट सी, एक एलिमेंट का मीन्स यहाँ पे सारे एलिमेंट किस टाइप के हैं, सेट ऑफ मैट्रिसेस के सेट हैं, ठीक है। तो एलिमेंट सी मैट्रिसेस टाइप का होगा, हाफ व्यू जिसे हिंदी में कहते हैं मैट्रिसेस को। तो देखिए एक एलिमेंट सी आर से लिया एंड ए जो मैट्रिसेस है वो मैंने एस से ली, तो सी इंटू ए किया तो वो भी मेरा एस में बिलोंग करता है। तो यहाँ ये लेफ्ट आइडियल की दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो एस है वो क्या है, आर का लेफ्ट आइडियल यानी वाम गुणजावली है, ठीक है। तो ये हो गया कि मेरा जो सेट एस है वो रिंग आर का क्या है, लेफ्ट आइडियल, यहाँ से हमने शो कर दिया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, बट नॉट ए राइट आइडियल। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है कि एक मैट्रिसेस 1 0 1 0, ये इस टाइप की, किससे लिए, एस से, एस से इसी टाइप की मैट्रिसेस आएंगी, मतलब ए और बी आएगा यहाँ पे, यहाँ 0 0, तो ए की जगह इसने 1 ले लिया है, क्योंकि ए और बी कहाँ से थे, सेट ऑफ इंटीजर यानी पूर्णांक थे। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों जगह पूर्णांक है 1 1, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों जगह जीरो आना चाहिए, ये जीरो की फिक्स पोजीशन है कि यहाँ पे जीरो ही आएगा, बाकी ए और बी की तो वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू आप क्या ले रहे हो पूर्णांक उस तरह से। तो इसने यहाँ पे पूर्णांक दोनों जगह 1 1 लिए हैं, आप कुछ भी ले लीजिए 1 2 इस टाइप का और करके देखिएगा। तो इसने 1 और 1 0 1 0 1 0 इस टाइप की एक मैट्रिसेस लिए सेट एस में से, एंड रिंग में से, रिंग क्या है, आर, ये तो कोई भी दो क्रॉस दो की मैट्रिसेस है ओवर द सेट ऑफ इंटीजर,
ठीक है। तो इस प्रकार इसको तो किसी तरह का ले सकते हैं हम, जैसे इसने एग्जाम्पल में एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है, तो उसमें इसने 1001 यानी ये क्या है आर आर की इकाई भी इसको कह लीजिए कि इकाई है ये, एक तरह से यूनिट यूनिटी एलिमेंट है। तो ये ले लिया इसने 1001, ठीक है। तो एक हम ऐसे एलिमेंट ले रहे हैं, एक एलिमेंट मैं आर से ले रही हूँ। आर पे कोई पाबंदी नहीं है कि यहाँ 00 ही आए, यहाँ मतलब ए बी सी डी टाइप की एक मैट्रिसेस ले ली, जहाँ ए बी और सी डी की जगह ए की जगह 1, बी की जगह 0, सी की जगह 0 एंड डी की जगह 1, इस प्रकार की मैट्रिसेस ली है, ठीक है। तो अब इनका हमें देखना है राइट आइडियल, तो हम जो आर का एलिमेंट है वो राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसने किया है। सॉरी, इसने यहाँ पे जाके ये थोड़ी सी मैट्रिसेस मिस्टेक कर रहा है ये, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे जो आर का मैट्रिसेस ली है इसने, एस की तो यूं की यूं है, एस की मैट्रिसेस ये है एंड आर की मैट्रिसेस ये, लेकिन आर की मैट्रिसेस यहाँ पे 1001 ले रहा है, यहाँ पे 1101 ले रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इसको इसको वन कर देते हैं। यहाँ पे क्या है ये, एक मिनट, यहाँ पे ये वन है, ठीक है, मैं लिख रही हूँ इसको वन, ओके। अब देखिए जब इनकी मल्टीप्लाई कर रहा है ये, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई की, क्या आया, वन इंटू वन, वन प्लस जीरो इंटू जीरो, जीरो, यानी क्या आ गया कुल मिला के, यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन इसकी वन आएगी, ठीक है। फिर इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस रो की इस कॉलम से, ठीक है। तो कॉलम से करेंगे तो वन इंटू वन, वन एंड जीरो इंटू वन, जीरो, तो वन प्लस जीरो कितना होता है, वन होता है, तो ये सेकंड पोजिशन इसकी वन आ जाएगी। इसी प्रकार इस रो की हम इसके इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आता है, वन इंटू वन, ठीक है, वन इंटू वन, वन प्लस जीरो इंटू जीरो, जीरो, वन प्लस जीरो अगेन वन, एंड इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई फिर से इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस कॉलम से, तब भी क्या आएगा, वन। तो ये पूरा क्या क्या बनी है मैट्रिसेस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वन 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 एंड वन, ठीक है। तो ये मैट्रिसेस देखिए क्या एस में बिलोंग करती है, हमारी एस में कंडीशन क्या थी, यहाँ पे जीरो होना चाहिए था एंड यहाँ पे जीरो होना चाहिए था, दोनों पोजिशन क्या थी, जीरो जीरो, बट यहाँ क्या आया हुआ है, वन वन, तो ये किस में बिलोंग नहीं करेगी, एस में बिलोंग नहीं करेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि S जो है मेरा, S है वो R में दक्षिण गुणजा वाली नहीं है, वाम गुणजा वाली है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था, अच्छा था एक बार समझने के लिए कि लेफ्ट आइडियल को असल में करते कैसे हैं, तो ये एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप राइट आइडियल का एग्जांपल से देखिए कि राइट आइडियल और लेफ्ट, सेकेंड एग्जाम्पल तक पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल 2×2 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म दिस टाइप ए बी 00, यहाँ 00 की पोजिशन फिक्स है एंड ए बी कोई भी इंटीजर है जेड में से, और जेड में आपको पता है 0 ही बिलोंग करता है, और सारे धन पूर्णांक एंड सारे ऋण पूर्णांक साथ के साथ 0 भी इसमें बिलोंग करता है। तो जो ए बी की पोजिशन है ये फिक्स नहीं है, ये आप जो भी धन पूर्णांक लोगे उस पर डिपेंड करेगा, बट 00 की पोजीशन यहाँ पे फिक्स रखी गई है, ठीक है। तो ये देखिए किस टाइप की सेट ऑफ 2×2 मैट्रिसेस है, इस टाइप की होंगी, ठीक। यहाँ ए बी कहाँ से ले रहे हो, जेड से, ठीक है। इज ए राइट आइडियल बट नॉट ए लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग आर ऑफ ऑल 2×2 मैट्रिसेस ओवर द सेट जेड ऑफ इंटीजर, है ना। ये रिंग आर किस प्रकार की है, कोई भी 2×2 मैट्रिसेस की, कोई भी रिंग इस प्रकार की होंगी, मैं एक एग्जांपल से ऐसे बता रही हूँ आपको। यहाँ ए ले लिया, ये बी हो गया,
यहाँ सी हो गया एंड यहाँ पे डी हो गया। इस प्रकार की जहाँ ये ए बी सी डी किसके एलिमेंट होंगे, ए बी सी डी किसके एलिमेंट होंगे, सेट ऑफ इंटीजर जेड के। ठीक है, ठीक है, तो जो रिंग है आपकी वो रिंग में सारी दो क्रॉस दो मैट्रिक्स है, दो क्रॉस दो मैट्रिक्स ए बी सी डी इस टाइप की मैट्रिक्स है, जहाँ ए बी सी डी ये चारों अवयव जो मैट्रिक्स के ये कहाँ से है, धन पूर्णांक सॉरी पूर्णांकों के सेट जेड से। ठीक है, अब आपको ये शो करना है कि ये जो सेट ऑफ मैट्रिक्स इस प्रकार की दी गई है, ये सेट ऑफ मैट्रिक्स रिंग आर की क्या है, राइट आइडियल है बट नॉट लेफ्ट आइडियल, ये प्रूफ करना है आपको। तो राइट आइडियल के लिए फर्स्ट कंडीशन तो यही हो जाती है कि एस में से हम दो एलिमेंट्स उठाएंगे ए और बी टाइप के। एस में एलिमेंट किस टाइप के हैं, मैट्रिसेस टाइप के, है ना, मैट्रिसेस पूरी लेनी पड़ेगी आपको। तो हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी, ए ले लिया मैंने ए बी जीरो जीरो एंड बी लिया सी डी जीरो जीरो। ये पोजिशन ध्यान रखिएगा, ये दोनों पोजिशन फिक्स हैं, यहाँ पे जीरो है यहाँ पे भी जीरो है एस में। ठीक है, तो इस ये दो एलिमेंट ले लिए और आपने आगे फर्स्ट कंडीशन किसकी क्या है, यहाँ पे ए माइनस बी करना है और वो देखना है कि ए माइनस बी भी एस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आगे ये देखिए दो अवयव ले लिए यहाँ पे, तो ए माइनस बी किया, ए माइनस बी करके क्या आया, ये मैट्रिसेस आ गए। ठीक है, आपको ये मैट्रिसेस आपको प्राप्त हुई है यहाँ पे। ये मैट्रिसेस मिली है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दोनों पोजीशन फिक्स है जीरो जीरो एंड यहाँ पे क्या आया हुआ है, ए माइनस सी एंड बी माइनस डी। तो आपको पता है कि ए और सी, इसी प्रकार बी और डी, ये सारे एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करते हैं, जेड से। तो उनके ए माइनस सी भी जेड में बिलोंग करेगा, इसी प्रकार बी माइनस डी भी जेड में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये आपको मैट्रिसेस मिली, तो ये कहाँ से किस प्रकार की मैट्रिस है, एस में जिस प्रकार की मैट्रिस है उसी टाइप की है। तो ये कहाँ, ये जो मैट्रिसेस है ये कहाँ चली गई, एस में चली गई, एस में बिलोंग कर गई। मतलब तो कहने का मतलब इसकी फर्स्ट कंडीशन जो थी वो ट्रू होगी। अब देखिए सेकेंड कंडीशन की तरफ, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हमने एक मैट्रिसेस ले ली सी, सी कहाँ से ले ली, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर से ले ली। ठीक है, जहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहाँ बिलोंग करेंगे, जेड में। ठीक है, सारे के सारे क्या है, पूर्णांकों के सेट से लिए गए हैं सारे एलिमेंट लिए। ठीक है, अब देखिए राइट आइडियल में क्या करते हैं हम, जो आर का वो होता है एलिमेंट सी, उसको क्या करेंगे, राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, किधर की साइड, राइट साइड में। ठीक है, तो ए इंटू सी किया इसने, तो देखिए ए किसका एलिमेंट है, एस का, तो ए इंटू सी किया, ए ये है एस ये है, तो किस प्रकार मल्टीप्लाई करता है, ये आ जाएगा फर्स्ट बार आप क्या करेंगे, इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया ए अल्फा प्लस बी बीटा, अगेन ए बी की आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, गामा डेल्टा से, तो सेकंड यहाँ पे आ जाएगा ए गामा प्लस बी डेल्टा। ठीक है, अगेन जीरो जीरो की करोगे तो ये दोनों पोजीशन जीरो और जीरो आएगी। ठीक है, ये जीरो आएगी एंड ये जीरो आएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ये जो मैट्रिसेस की टाइप है ये किस में बिलोंग कर जाएगी, एस में, क्योंकि यहाँ पे जो ये चीज़ होगी अगेन ए अल्फा प्लस बी बीटा ए गामा प्लस बी डेल्टा, ये क्या होगी, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स ही होंगे ये एक प्रकार से। ठीक है, तो ये इंटीजर्स होंगे एंड ये वैल्यू जीरो जीरो है हमारी, तो इस प्रकार की मैट्रिसेस एस में बिलोंग कर गई, तो मैं कहूँगी
कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दक्षिण गुंजावली के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि एस क्या है, रिंग आर्क दक्षिण गुंजावली, ठीक है। अब हमें बताना है कि रिंग एस रिंग आर की वाम गुंजावली नहीं है। किस प्रकार बताया है, इसने एक एग्जांपल लिया है, एक एलिमेंट ले लिया 1111 इससे रिंग आर से, ठीक है। दूसरा एलिमेंट ले लिया 1100 रिंग एस से, ठीक। अब क्या किया है, हमें क्या बताना है, वाम गुंजावली। तो हमें रिंग आर का जो एलिमेंट है ये वाला, इसको वाम पक्ष में यानी इसको बाएं पक्ष में गुणा करना है। ये देखो बाएं पक्ष में गुणा किया, ये किसका एलिमेंट है, आर का, ठीक है। और ये किसका एलिमेंट है, एस का। तो इसने ये गुणा किया, ठीक है, इन दोनों की क्या की, गुणा की। अब देखिए क्या आया गुणा करने पर, इससे ये एलिमेंट, ये मैट्रिसेस आई है इसकी। देखिए वन इसकी गुणा करोगे इसके साथ तो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक। अगेन इसकी गुणा, फिर से इसकी गुणा इस कॉलम के साथ करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक। इसी प्रकार इसकी गुणा इस कॉलम के साथ करोगे फिर से तो क्या आएगा, वन आएगा। एंड इसी प्रकार इसकी इस कॉलम के साथ, ठीक है, तो क्या देगा, ये वन देगा। तो ये मैट्रिसेस क्या है, 1111 टाइप की है ना, 111 टाइप की। एस में बिलोंग करती ही नहीं है, क्योंकि एस में बिलोंग करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए आपको, जीरो चाहिए था। एंड यहाँ क्या चाहिए था आपको, यहाँ पे भी जीरो पोजिशन चाहिए, ठीक है। तो ये एस में बिलोंग नहीं करेगी, तो हम कहेंगे देयरफॉर एस आर में एक वाम गुंजावली नहीं है। अतः क्या नहीं है, एस आर में लेफ्ट आइडियल नहीं है, ठीक है। तो ये था। एंड इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल थर्ड, ये पूरा एक आइडियल का एग्जांपल है। ये किस प्रकार का सेट है, एम एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड, या यूँ कहूँ मैं कि जेड को ही मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मल्टीपल ऑफ एम, सेट ऑफ इंटीजर विद मल्टीपल ऑफ एम। एक एम क्या है यहाँ पे, एम अगेन एक क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये सेट है, ये क्या है, इसने कहा है इज एन आइडियल ऑफ, किस रिंग का आइडियल है ये, सेट ऑफ इंटीजर्स, रिंग पूर्णांकों की रिंग का ये आइडियल है। तो हम किस प्रकार देखेंगे, आइडियल है, हमें दोनों चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। एक तो हमें लेफ्ट आइडियल प्रूफ करना है, साथ के साथ हमें राइट आइडियल प्रूफ करना है। एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग, किसी भी रिंग का एक नॉन एम्प्टी सबसेट, उस रिंग का आइडियल कब होता है, जब वो दोनों हो, बोथ साइडेड आइडियल हो, यानी लेफ्ट आइडियल भी हो साथ के साथ वो राइट आइडियल भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों प्रूफ करने में, लेफ्ट आइडियल भी और राइट आइडियल भी, तब हम जाके कहेंगे कि ये जो समुच्चय है, ये समुच्चय इस रिंग का क्या है, एक गुंजावली है, ठीक है, गुंजावली है। अब देखिए हमने ये सेट, इस सेट का नाम एस दे दिया, ठीक है। माना हमारा जो सेट एस है वो एम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, इस प्रकार का सेट है मेरा, ठीक। और हमें क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दो एलिमेंट लेने हैं एस के, एक तो मैंने ए ले लिया और एक मैंने ले लिया बी एलिमेंट। तो ए जो एलिमेंट है एस का है, तो एस के एलिमेंटों की टाइप का होगा, ए को मैंने डिनोट कर दिया एम इंटू आर टाइप का है, एंड बी किस टाइप का है, एम इंटू एस, वेयर आर एंड एस बिलोंग्स टू ऑल्सो जेड, वेयर आर एंड एस ऑल्सो इंटीजर्स, ठीक है। अब फर्स्ट हम करेंगे कि ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, ए माइनस बी, ए क्या है एम इंटू आर, एंड बी क्या है एम इंटू एस। तो हम इनमें से m कॉमन ले लेंगे, इसने लिखना भूल गया है, ये यहाँ पे क्या है m कॉमन, बाहर m कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा r इंटू आर माइनस एस, ठीक है। तो m कॉमा m कोष्टक r माइनस एस, m को कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ पे देखिए r माइनस एस ये किसमें बिलोंग कर जाएगा, अगेन किसमें बिलोंग कर जाएगा, z में, क्यों, क्योंकि R किसका एलिमेंट है,
जेड का एंड एस किसका एलिमेंट है जेड का, तो उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी किस में बिलोंग करेगा, जेड में, ठीक है। तो इस प्रकार कहेंगे कि देखिए ये एलिमेंट एम सेट ऑफ इंटीजर है, आर माइनस एस ऑल्सो सेट ऑफ इंटीजर है, तो एम इंटू आर माइनस एस ये किस में बिलोंग कर जाएगा, एस में, ठीक। पुनः अब देखिए फर्स्ट कंडीशन तो आपकी प्रूफ होगी, अब सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड में क्या था, दोनों चेक करने हैं, राइट आइडियल एंड लेफ्ट आइडियल। तो हम एक एलिमेंट ए तो ले लिया हमने एस से, एंड एक हम रिंग में से उठाते हैं, एक एलिमेंट किस में से उठाते हैं, रिंग में से, और रिंग क्या है हमें पूर्णांकों का वल्य, ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया टी, जिसने इससे कहा है टी ले लिया जेड में से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये चेक करेंगे कि एक बार टी को राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे ए के, तो देखिए ए इंटू टी किस प्रकार मल्टीप्लाई किया है, ए क्या है यहाँ पे मैंने एस में से लिया है, तो मेरा एम इंटू आर टाइप का होगा, है ना, एम तो जहाँ पे फिक्स है ही, साथ के साथ आर है वो कहाँ से लिया है मैंने, जेड से, ठीक। तो एम आर टी ये तीनों क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, तो इसको यूँ लिख सकते हैं, एम को बाहर लिखा एंड आर टी को अंदर ले गई मैं, ठीक। तो ये आर टी अगेन क्या हो जाएगा, जेड में बिलोंग कर जाएगा, और एम इंटू आर टी ये पूरा किस में बिलोंग करेगा, एस में, ठीक है। इसी प्रकार टी इंटू ए करेंगे तो वो किस टाइप का एलिमेंट आएगा, एम इंटू टी आर टाइप का, और टी आर फिर से अगेन किस में जा रहा है, जेड में, तो ठीक है। तो ये पूरा किस में बिलोंग कर गया, एस में। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है, ए दो एलिमेंट लिए ए और बी मैंने एस में से, एंड ए माइनस बी एस में बिलोंग कर गया, तो हम कहेंगे कि मेरी पहली कंडीशन प्रूफ हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है, लेफ्ट एंड राइट आइडियल बोथ होना चाहिए, यानी ए बिलोंग्स टू एस, टी बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज दैट ए टी बिलोंग्स टू एस एंड ऑल्सो टी ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे कि हम एस क्या है, जेड में एक गुणजा वाली, बोथ राइट एंड लेफ्ट आइडियल है, तो एस क्या है, जेड में एक गुणजा वाली, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, देखिए इस नोट को देखिए आप, ये कह रहा है कि वल्य z प्लस मल्टीप्लीकेशन, ये किसका वल्य है, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का वल्य है, परिमेय संख्याओं के वल्य q प्लस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जो परिमेय संख्याओं का, जो पूर्णांकों का वल्य है वो परिमेय संख्याओं के वल्य यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की रिंग का उपवल्य है, सबरिंग है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्या है, सबरिंग है, कौन, सेट ऑफ इंटीजर्स की रिंग है जो सेट ऑफ रैशनल नंबर की रिंग का क्या है, उपवल्य है, ठीक है, क्या है, उपवल्य है। बट हम इसको, ये जो पूर्णांकों का रिंग है जो, वो परिमेय संख्याओं के रिंग की क्या नहीं है, आइडियल नहीं है, गुणजावली नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसको एग्जांपल से इसमें बताया गया है, क्योंकि एक पूर्णांक संख्या और एक परिमेय संख्या का जो गुणनफल है ना, दूसरी कंडीशन जिसमें हम बताते थे कि लेफ्ट में गुणा करते हैं राइट में गुणा करके ऐसे, ठीक है, तो गुणनफल सदैव पूर्णांक संख्या नहीं आती, ठीक। हमने एक एलिमेंट टू लिया जेड से एंड 1/3 लिया किससे, क्यू से, तो हम 2 × 1/3 किए तो क्या आया रिजल्ट मेरा, 2/3। ये अगर जेड इसका आइडियल होता तो ये 2/3 किस में बिलोंग करना चाहिए था, जेड में, बट 2/3 जेड में बिलोंग नहीं करता, इसीलिए कहेंगे हम कि पूर्णांकों का जो रिंग है वो परिमेय संख्याओं की जो रिंग की आइडियल नहीं है, सब रिंग है, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का लेक्चर,
इससे आगे हम कुछ थ्योरम्स लेंगे. ओके.